Hi, Vichavari. Very good afternoon to all of you. I hope we are live now. So, uh, मैंने वैसे तो telegram पे बता दिया था और अभी मैं एक बार और वापस बता देती हूँ that we are live. So that everybody can join. All right. यस yes, चाहे साइंस हो चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो चाहे कॉमर्स हो कुछ भी इंग्लिश बिल्कुल चेंज नहीं होता तो आप उसकी टेंशन मत कीजिए और इंग्लिश वैसे का वैसे ही रहने वाला है अच्छा बाय द वे बच्चा वारी फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बता दो कि हम लोग लाइव आ गए क्योंकि uh, बहुत सारे बच्चों ने नोटिफिकेशन इसके लिए किया था ऑन और वी काइंड ऑफ गॉट लेट बिकॉज ऑफ ऑल सेटअप एंड स्टफ तो इसके लिए अभी फटाफट से सारे के सारे बच्चों को बता दो दैट वी आर लाइव सो दैट दे कैन जॉइन

जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल देख लिया होगा आज हम कंप्लीट लिटरेचर करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ का और दो घंटे से भी कम टाइम में हम ये करने वाले हैं और इसके पीछे आइडिया ये है कि आप लोग जब पूरा पढ़ लेते हो तो आपको अभी कुछ ऐसा चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिविज़न कर सको मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आप रिविज़न कर सकते हो तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप यू नो खूब सारे ऐसे टाइम उसमें लगा कर और कम से कम एक एक एक, 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 एक लाइन आप पढ़ सकते हो ये तो पहले का चीज़ें होती है उसके बाद में जब एग्जाम टाइम होता है तो आपके पास पास मुश्किल से तीन चार घंटे होते हैं अभी हमको बस वही करना है हमको कोशिश करना है कि हम आ, दो घंटे के अंदर अंदर ये सारे का सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ले लिटरेचर कंप्लीट कर ले ताकि ये वीडियो को आप आज तो देख ही रहे हो तो आपके जो भी इंटरनल एग्जाम है बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम इंटरनल एग्जाम्स हैं टर्म वन तो नहीं है बट फिर भी स्कूल वाले ले रहे हैं एक बार तो फिर ठीक है आप उसमें इसको यूज कर सकते हो और साथ ही साथ में इसको ना सेव कर सकते हो आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा तो आप इसको वॉच लेटर में सेव कर लेना तो इससे आपको जब एग्जाम देने जाओ टर्म वन का तब एक मस्त आप दे पाओगे, क्योंकि आपको दो घंटे अंदर, अंदर तो तो प्लस पे अंदर क्लास इलेवें का पूरा का पूरा इंग्लिश जो है वो मैं कवर करवाने वाली हूँ तो पूरा इंग्लिश उसके अंदर कवर होने वाला है आज से स्टार्ट होगा थर्टी अक्टूबर तक चलेगा रीडिंग राइटिंग लिटरेचर ग्रामर पोर्शन सब उसमें होगा और राइट right, बच्चा वारी इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरा ही नहीं बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अंदर आपको सारे के सारे एजुकेटर्स सारे के सारे सब्जेक्ट सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं रीजन हैंड की मदद से आप टीचर्स के साथ कर सकते हैं इंटरेक्ट और साथ ही साथ में आपको हर फोर्थ सेशन जो है वो डाउट लरिंग सेशन देखने को मिलता है आपको सेंट परसेंट सेलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करा के देते हैं और एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी बार रिविजन होता है अगर आपको लग रहा है मैम साइंस में ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है साइंस के अंदर कॉमर्स के अंदर ह्यूमैनिटीज़ के अंदर

तो एकदम दुगना फायदा अभी हो रखा है और ये सब्सक्रिप्शन चलेगा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर तक आज से मेरा इंग्लिश में कोर्स लाइव हो रहा है और कल से बहुत सारे बैचेज लाइव हो गए हैं रिविजन के तो आपको मिस नहीं करना चाहिए ट्वेंटी तक वेट नहीं करना चाहिए आपको ये सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए अभी फिलहाल ऑफर में है आपको एस लाइव की मदद से मिल जाने वाला है ये डिस्काउंट तो एस लाइव मेरा कोड है इस कोड की मदद से आपको मिलेगा ये डिस्काउंट तो आप इस कोड को अप्लाई कीजिए और डिस्काउंट ले लीजिए साथ ही साथ में आप मेरी अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ये मेरी ऐसी स्पेशल क्लासेस होती हैं और मैं आपको बता देती हूँ मैंने सैम्पल पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाना है तो मैंने ऐसा सोचा मैं आपको सैम्पल पेपर्स कराऊंगी यहाँ पे भी करवाऊंगी यूट्यूब पर सैम्पल पेपर में ना खूब सारे एम हैं तो यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊंगी क्योंकि अभी सी ने आपके लिए सैम्पल पेपर नहीं निकाला ना तो फिर किसी को तो ऐसा करना चाहिए था तो अभी मैं इलेवंथ की तैयारी भी एकदम वैसे कराऊंगी जैसे बोर्ड में तो बोर्ड जैसा एकदम पूरा सैम्पल पेपर तैयार किया है आपके लिए यहाँ पर भी करवाऊंगी यूट्यूब पे पर स्पेशल पर क्या फ़ायदा है कि पोल कर सकते हैं और ऊपर से आपको पता है ये वाले जो क्लासेस होते हैं ना ये वाले क्लासेस फ्री क्लासेस हैं एकदम फ्री है तो आपको ना अगर सैम्पल पेपर कर दें कि बस मैम मैंने पढ़ाई कर ली खूब सारी प्रैक्टिस करनी है तो ये मेरे फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर आप आराम से बात भी कर पाओगे डाउट्स भी पूछ पाओगे और एम को करोगे पोल्स की मदद से तो उसी वजह से आप आराम से लीडर बोर्ड में अपना पोजिशन अपना प्रोग्रेस भी चेक कर पाओगे अगर सोच रहे हो कि कहाँ पर आप ऐसा करोगे अन अकेडमी स्पे, स्पेशल पर होने वाला है इसके लिए लर्नर्स एप आपको डाउनलोड करना है लर्नर्स आई क्रिएट करनी है आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना क्लास एलेवेंथ यहाँ से कोई भी प्रेफर्ड लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको लिंक भेज दूंगी तो उस लिंक पे क्लिक करना है एस नोटिफाई मी पे क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरा कोड एस डी सी लाइव यूज़ करके उसे अनलॉक कर लेना है ऐप फ्री है मेरे साथ में सैम्पल पेपर करना इंग्लिश का बड़ा मजा आएगा दैट्स मच एट दिस इज अन अकेडमी डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन एंड आई एम योर सुपर एजुकेटर शिपरा मिश्रा एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम पूरा लिटरेचर कंप्लीट करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं क्योंकि आपके इंटरनल एग्जाम सर पे और टर्म वन भी आ रहा है बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम कंप्लीट करके बैठ चुके हैं मेरे साथ में और अब वो वैसे बोल रहे हैं बस खूब रिविजन करवा दो तो बस वही हम करने वाले हैं और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सैंपल पेपर डिस्कशन होने वाला है उसके पहले मैंने ये लगाया है ताकि आप अभी यहाँ पढ़ लो उसके बाद जब मैं सैंपल पेपर डिस्कशन कराऊं इसी चैनल पर तो आप आ रहा से बैठकर आंसर भी दे पाओ मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वो मिस नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहला जो हमारा आ, चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक ऐसा चैप्टर है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर है और मेरे को लगता है सारे के सारे बच्चों को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है तो सारे टीचर्स ने इसको एकदम खतरनाक बार 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 पढ़ा पढ़ा के पढ़ा पढ़ा के एकदम ऐसा कर दिया है कि अरे मैम ये तो हमें पता है तो अगर आपको पता है तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन के अंदर खुशवंत सिंह ओपी कर दो क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के जो ऑथर है वो है खुशवंत सिंह लिटरेचर को जब भी पढ़ोगे तब इसमें ऑथर का थीम का टाइटल का ध्यान रखोगे कोई भी वर्ड मीनिंग्स है उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ध्यान रखोगे लिटरेरी डिवाइसेस का ध्यान रखोगे चैप्टर में साथ ही साथ में आपको हर तरीके के एमसीक्यूज़ करने मैं करवाऊंगी डोंट वरी हाँ कुशवंत सिंह ओपी वेरी गुड इस चैप्टर के अंदर क्या है अब अच्छे से सुनो कुशवंत सिंह जी जो है वो इस चैप्टर के ऑथर है और उन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपने रिलेशनशिप को बताया अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में कुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मॉम के साथ रहते थे एक्चुअली सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं ये बताने से कि उनकी ग्रैंड मॉम एक्चुअली किसी भी ग्रैंड मॉम जैसी है आप जब ग्रैंड मॉम को देखते हो आपके दिमाग में कोई ग्रैंड मॉम का पिक्चर आता है तो आपको पता चल जाता है छोटू सी गोलू गुलूमुल्लू सी बहुत इसे रिंकल फेस वाली चश्मा वश्मा लगाने वाली थोड़ी सी खरूस ऐसे हौब, ऐसे करके कर चलने वाली तो ऐसा आ, हम लोग के दिमाग में पिक्चर आता है और कुछ ऐसा ही पिक्चर हमें खुशवंत सिंह जी ने भी दिखाया उन्होंने बोला कि मैं मेरी ग्रैंड मॉम को ग्रैंड मॉम के जैसे ही जानता हूं तो ना मेरे लिए ये बिलीव कर पाना जब सारे सारे लोग बोलते थे कि ग्रैंड मॉम कभी तो जवान भी हुआ करती थी सुंदर भी हुआ करती थी बड़ा अजीब लगता है कि ग्रैंड मॉम ग्रांड मॉम जवान हुआ करती थी सुंदर हुआ करती थी क्या तो एकदम बहुत ज्यादा अजीब लगता है वो कहते हैं मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी ग्रैंड मॉम कभी ऐसे ऐसे रही होगी अच्छा इसके साथ साथ में लोग बोलते थे कि तुम्हारी ग्रांड मॉम के ना हस्बैंड भी थे हस्बैंड? मैंने तो कभी देखा ही नहीं मैं तो हमेशा से ग्रैंड मॉम को ऐसे ही देखा अभी यहाँ पे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि ऐसी बाकी सारी चीजें भी होती है उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे तो ग्रैंड मॉम ये ग्रैंड पापा तो है ही नहीं मेरे अरे कैसे नहीं है कैसे हो सकता है ऐसा तो इसके लिए अभी खुशवंत सिंह जी को भी ऐसा लगता था कि अरे यार मेरी ग्रांड मॉम ना मतलब उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने ना ग्रैंड मॉम को ऐसे ही बनाया है कि भगवान ने ना ऊपर से भेज दिया है उनको एकदम बूढ़ा करके भेज दिया है वो हमेशा से बचपन से ऐसी ही थी तो ऐसा उन्हें लग रहा होता है और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये यकीन कर पाना कि ग्रैंड मॉम कभी भी अः आ... ंग या प्रटी रहा रही करती होंगी या फिर उनके हस्बैंड होते होंगे बस ऐसा था कि ग्रैंड मॉम को देख कर लगता था बस वो ग्रैंड मॉम है अच्छा उसके बाद में वो ना एक आ, ऐसे पोर्ट्रेट देखते हैं अपने हॉल में और वो पोर्ट्रेट दादाजी का होता है उनको देखकर ना उन्हें ऐसा लगता है ना जैसे दादाजी कम से कम नहीं भी तो सौ साल के रहे होंगे और ऐसा लगता है कि दादाजी के तो ना बिल्कुल मतलब दादाजी तो जवान रहे ही नहीं होंगे इनके तो बच्चे नहीं हुए होंगे इनके तो डायरेक्ट ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स हुए होंगे ग्रैंड चिल्ड्रेन ये हुआ होगा इनके साथ में ऐसा देख लगता है और फिर उसके बाद में वो बताते हैं कि किस तरीके से ग्रैंड मॉम ना उन्हें कहानियां सुनाया करती थी अपने बचपन की कि वो ऐसे खेलती थी ये करती थी वो करती थी खुशवंत सिंह सोचते थे ग्रैंड मॉम और वो इमेजिन करते होंगे कि ग्रैंड मॉम लाठी लेकर ऐसे ऐसे खेल रही होंगी इसके लिए ना उनसे इमेजिन ही नहीं हो पाता था तो वो बोलते थे ये ना हमको कहानियां लगती हैं परियों की कहानियां लगती हैं ऐसे कहानियां सुनाती ना हम लोगों को हमारी ग्रैंड मॉम हमारी ग्रहणस कहानियां सुनाया करती थी कि ऐसे कृष्णा होते थे लॉर्ड कृष्णा ऐसे ये वो फिर हम लोग सोचते थे हैं ऐसा होता था एकदम वैसे परियों की कहानी एकदम जैसे कोई तो ऐसे सुना रहा हो और अब जो हमें यकीन करना बड़ा मुश्किल हो एकदम वैसे ही उन्हें वो लगती थी वो बोलते थे देखो यार कुछ भी बोलो ग्रैंड मॉम ना प्रटी तो नहीं हो सकती पर वो ब्यूटिफुल थी मतलब वो प्रिटी नहीं हो सकती पर वो सेंट ब्यूटीफुल तो थी मतलब उनको देखकर ऐसा लगता था कि मतलब चलती फिरती पीस और ट्रैंक्यूलिटी को वो रिजेंबल करती है कि मतलब जब ग्रांड मॉम थी ना तो ग्रांड मॉम को देख था कितनी सैटिस्फाइड कितनी ज्यादा यू नो बेस्ट पिक्चर जो होती है ना एक इंसान की वो है बोला ऐसे देखने को लगता है जैसे एक विंटर लैंडस्केप नहीं होता जिसके अंदर एकदम ऐसे पहाड़ होते हैं और उसमें ऐसे मतलब स्नो के पहाड़ होते हैं और एकदम वाइट कलर का एक्सपांस होता है तो एकदम वैसी ग्रैंड माम लगती थी उतनी शांत उतनी प्यारी उतनी ब्यूटिफुल और ऐसा वो क्यों बोलते थे क्योंकि ग्रैंड माम विडो थी और पहले क्या होता था कि जो भी ऐसे विडोज़ होता है उनको वाइट कपड़े पहनने होते थे तो वाइट कपड़े पहनती थी उनके वाइट एकदम बाल थे तो बोलते थे कि ना वो एकदम विंटर लैंडस्केप की जैसी उस एक्सपांस के जैसी लगती थी बड़ी खूबसूरत और थोड़ी छोटी सी थी थोड़ी मोटू सी थी और ऐसे बड़ा ऐसे ऐसे हॉबल करके पूरे घर में चला करती थी क्योंकि ऑब्वियसली Uh, वो कैसे uh, बाकी तो कैसे ही चल पाएंगी तो इसके लिए अभी वो बूढ़ी थी तो ऐसा अब बोला उनका ना पूरा फेस जो था वो भी एकदम ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस रिंकल से भरा हुआ था कैसी भी थी बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी इसके बाद में फाइनली वो क्या करते हैं इसके बाद में फाइनली uh, वो ट्राई करते हैं कि चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑथर की ग्रैंड मॉम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया तो अब वो फाइनली बता रहे हैं कि एग्जैक्टली उनका रिलेशनशिप कैसा था तो अभी उनका रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार था कि ग्रांड मॉम उनकी ना बेस्ट फ्रेंड थी और मुझे लगता है हम सबकी बेस्ट फ्रेंड्स हमारी ग्रांड मॉम होती है जब भी बचपन में हम कुछ तो ऐसे करके आते हैं और मम्मी धुलाई करने वाली होती है ना तो ग्रांड मॉम बचाती है अरे मत मार इसको तो वो वो जो है ना वो सिर्फ ग्रैंड मॉम ही कर सकती हैं तो एकदम वैसा ही हमारे खुशवंत सिंह जी के साथ भी था खुशवंत सिंह जी की जो ग्रैंड मॉम थी वो एकदम उनकी बेस्ट फ्रेंड की जैसी थी और क्यों ना होगी क्योंकि उनके पापा मम्मी तो उन्हें छोड़ के चले गए थे उनके पापा मम्मी सिटी चले गए उन्होंने सोचा हम लोग सिटी में सारा काम देख कर आते हैं एंड देन उसके बाद में तब तक खुशवंत सिंह जो थे वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में गाँव में ही रहते थे ग्रैंड मॉम उन्हें तैयार करती थी वो ना हमेशा कुछ भी करती हूँ बस वो माला जप जपती रहा करती थी मतलब एक हाथ को अपने वेस्ट पे रखे और एक हाथ से बस माला ही पढ़ा करती थी तो कैसा भी कुछ भी काम कर रही उनका ऐसे ही होता था मंत्र वंत्र ऐसे पढ़ती रहती थी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेडी थी हमारी ग्रैंड मॉमना ऐसा इसके बाद में अभी फाइनली जब वो ऐसा कर रही थी तो आ, करती रहती थी तो इसके साथ साथ वो काम करती थी जैसे ऑथर को नहा देती थी तैयार कर देती थी उनकी स्टेशनरी को पूरा रैप कर देती थी उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी स्टेल चपातीज एकदम थिक स्टेल चपातीज उस पर खूब सारा बटर खूब सारा शुगर डालकर उनको ब्रेकफस्ट खिलाती थी कुछ स्टेल चपातीज़ अपने साथ में भी लेकर जाया करती थी ती से वहाँ पर स्कूल में ना उनको क्या है कुछ डॉग्स मिलते थे तो ना स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए उस चपातीज अपने साथ लेकर जाया करती थी इसके बाद में वो लोग दोनों साथ में आ, 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 यू नो आ, जाया करते थे स्कूल और जब हमारे ऑथर तो पूरे स्कूल में ऐसे मस्त पढ़ाई कर रहे होते थे तो ग्रैंड मम आराम से साइड में टेम्पल था उसमें बैठ अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी फिर जब वो वापस आते थे तो डॉग्स के ऊपर ऐसे रोटी जो है चपाती जो है वो फेंकते हुए आते थे तो डॉग्स जो ना एकदम तो ग्राउल करके और लड़ा करते थे उसके लिए लाइफ बहुत अच्छी थी अच्छा जा रहा था सब कुछ इतने में उनकी लाइफ के अंदर एक आ, एक यू you नो know, एक चेंज आता है एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आ, उनके पेरेंट्स उन्हें बुलाते हैं कि आपको अभी ना सिटी आना है आप अब सिटी आ सकते हो और अभी सारी चीज़ें एकदम रेडी है तो उन्हें गांव का स्कूल गांव का घर सब कुछ छोड़ के आना होता है कभी कभी हम लोग ऐसी चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो तो उनका तो कनेक्शन उनकी मिट्टी से है ना तो मतलब उनके आसपास जो दोस्त होंगे उनके रेलिटिव जो होंगे वो तो उनसे कनेक्टेड है ना तो अगर आप उन्हें गाँव में किसी शहर में किसी भी जगह पर लेकर चले जाओगे तो वो उतने खुश नहीं रह पाएंगे बट ये चीज शायद कुशवंत सिंह के मॉम डैड ने रियलाइज नहीं की और उन्होंने ग्रैंड मॉम को भी वहां पर बुला लिया अब सारी चीजें चेंज हो गई थी ना तो स्कूल वैसा था ना ग्रैंड मॉम उन्हें छोड़ने जा सकती थी यू नो तो स्कूल चेंज हो गया था वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे मोटर बस में जाया करते थे ग्रैंड मॉम तो उनका बिल्कुल साथ नहीं दे सकती थी क्योंकि कहां तक छोड़कर आती और वहां पे स्ट्रेट डॉग्स भी नहीं थे तो ग्रैंड मॉम क्या करती थी स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी ग्रैंड मॉम को खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज्यादा यू नो टेंशन थी ग्रैंड माम कैसी भी हो वो बहुत ज़्यादा यकीन करती थी कि जितना ज़्यादा वो खुशवंत सिंह जी पढ़े आगे बढ़े पर उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि इंग्लिश स्कूल में ना ऐसे मॉरल वैल्यूज़ स्क्रिप्चर्स होली बुक्स पढ़ाती नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता था यार यहाँ पे तो होली बुक्स पढ़ाती नहीं है और वो इस बात को ले काफ़ी क्वेश्चन किया करती थी एक दिन खुशवंत सिंह जी ने बोला कि उन्हें म्यूज़िक लेसन सिखाए जा रहे हैं म्यूज़िक लेसन दिए जा रहे हैं तो ग्रैंड माम तो बहुत ही गुस्सा हो गई ग्रैंड माम ने बोला कि ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि म्यूज़िक जो जेंटल फोक्स होते हैं अच्छे घर के लोग होते हैं वो नहीं करते हैं ये तो मोनोपली है और ये मोनोपली किसकी है बेगर्स और हालत की मोनोपली है ये तो वो लोग करते हैं जो कि पैसे के लिए ऐसी चीज़ें करते होंगे तुमको ये नहीं करना चाहिए ग्रैंड मॉम पुराने जमाने की थी वो ये सारी चीज़ें नहीं समझती थी पर कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि मैं पुराने ज़माने की हूँ और मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इसके लिए ना उन्होंने एकदम बहुत ही ज़्यादा यू नो अपोज नहीं किया फैक्ट शांत हो गई और शांत होने के बाद में अपने काम से काम रखने लगी आ, पूरा दिन उनका स्पिनिंग पास में निकल जाया करता था। का वो ब्रेक लिया करती थी और बस यही उनका लाइफ था इसके बाद में तो और भी ज्यादा चीज़ें चेंज हो गई और, और भी ज्यादा चीज़ों में सबसे पहले तो खुशवंत सिंह जी आ, जब हायर स्टडीज के लिए गए कॉलेज में चले गए थे तो उनको एक नया रूम दे दिया गया था अभी तक दोस्तों दोनों की फ़्रेंडशिप पूरी तरीके से नहीं टूटी थी क्योंकि वो रूम था क्योंकि वो एक ही रूम में रहते थे तो वो फ्रेंडशिप अभी भी बनी हुई थी बट जैसे ही उन्हें दूसरा रूम दे दिया तो अभी ग्रैंड मॉम के साथ में तो वो बिल्कुल नहीं रहते थे इसके लिए वो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी टूट गया स्लोली इन gradually ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होने लगी और uh, अभी जब वो वापस यू uh, नो uh, you know, चले गए अब्रॉड uh, का उन्होंने जाने के लिए सोचा और बोला कि अभी मैं पाँच साल तक अब्रॉड uh, जाऊँगा तो कुशवंत सिंह को लगा कि uh, उनकी ग्रैंड मॉम इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेने वाली हैं बिकॉज उनकी ग्रैंड मॉम तो नेचुरली बहुत ज़्यादा uh, इन सारी चीज़ों को मानती हैं कि अभी मतलब यू you नो know, वो मानती थी कि एजुकेशन uh, होना चाहिए पर वो ये भी मानती थी कि देश में रहना एंड ऑल दैट तो पुराने ख्याल की थी जैसे कि मैंने आपको बताया तो कुशवंत सिंह जी को लगा कि पाँच साल जो है आ, वो अगर मैं बाहर रहूँगा तो हो सकता है कि जब मैं वापस आऊँ तो ग्रैंड मॉम की डेथ ही हो जाए ग्रैंड मॉम रहे ना ग्रैंड मॉम इतनी ओल्ड हो चुकी थी कि उससे ज़्यादा ओल्ड वो हो ही नहीं सकती थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार मैं जब वापस आऊँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी ग्रैंड मॉम रहे ही ना और उन्हें लग रहा था कि ग्रैंड मॉम ना बहुत बहुत वियर्ड रिएक्ट करेगी बट ग्रैंड मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया ग्रैंड मॉम उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आई वो अभी भी अपनी रोजरी आ, को हाथ में लेकर और आ, मंत्र पढ़े जा रही थी पूजा करी जा रही थी और फिर उन्होंने ऑथर को हक किया उन्हें फोरहेड पे किस किया और ऑथर ने उस लास्ट यू नो कांटेक्ट को चेरिश किया उन्होंने सोचा कि ये ना हो सकता है मेरा लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है मैं ग्रैंड मॉम से कभी भी और ना मिल पाऊँ अभी बट ऐसा नहीं था जब पांच साल बाद वो देश में वापस आए और आ, ग्रैंड मम वहीं थी और बिल्कुल एकदम वैसी ही लग रही थी जैसी वो शायद पाँच साल पहले थी तो उनको देखकर काफ़ी खुश हो गए उस दिन भी उन्होंने पूजा ही किया यू नो उनका फेवरेट जो टाइम था वो स्पैरोज़ को खाना खिलाना ही था उस दिन भी वो यू नो खाना ही खिला रही थी एकदम से शाम को उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने यू नो सारे आस के सारे औरतों को बुला लिया उन सबको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके और एक है ना आ, फटा पुराना ढोल जो है वो लेकर आई दिस इज़ डिलेप

सोच रहे थे बट देन यू नो ग्रैंड माम किसी की सुनती नहीं थी और शाम तक वो बीमार हो गई इनफैक्ट यू नो नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें माइल्ड फीवर है और रिलैक्स uh, करना चाहिए अभी सारे के सारे लोग उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज़ रिलैक्स कर लो रिलैक्स कर लो पर अभी ग्रैंड माम को कुछ और लग रहा है ग्रैंड माम को लग रहा है कि बिल्कुल भी कोई फ़ीवर वगैरह नहीं है उन्हें शोरली पता है कि उनका एंड पास में था और उन्होंने इतना पास में उनकी डेथ के आके uh, पूजा छोड़ दी थी और वह बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाली थी खुशवंत सिंह या उनकी फ़ैमिली से बात करने के लिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अपनी वो माला ले ली और वापस से वो यू नो अपना पूजा करने लगी आ, इससे पहले कि कोई कुछ करता कहता कुछ भी होता यू नो एकदम से वो शांत हो गई थी और उनके हाथ से रोजरी गिर गई उनके लिप्स वहीं पे रुक गए एक अजीब सा ग्लो उनके फेस पे आ गया जो कि ये बता रहा था कि ग्रैंड मॉम की डेथ हो चुकी है बहुत दुखी थे दुश्मंत सिंह उनकी फ़ैमिली बहुत मोन किया और मोन करने के बाद में उनके लास्ट राइड्स के लिए तैयारी करने के लिए वो चले गए जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज उनके रूम में आ जाती हैं और वो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पर आती हैं कुछ नहीं कोई ची 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 कुछ नहीं करती वो एक अजीब सा गोल्डन आर होता है जिसके अंदर यू नो एक सनलाइट आ रही है और इतनी सारी स्पैरोज वहाँ बैठी होती हैं और वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही होती हैं हमारे ऑथर की मॉम जो है वो एकदम ग्रैंड मॉम के जैसे कुछ ब्रेड क्रम्स लेकर आती हैं और उनको फीड करने का सोचती हैं पर स्पैरोज़ वहाँ पे ब्रेड खाने के लिए नहीं आए थे वो अपने ग्रैंड मॉम को बाय करने आए थे तो वो जैसे ग्रैंड मॉम की डेथ हुई वो वहाँ आए ग्रैंड मॉम को उन्होंने बाय किया वहाँ पर मौन किया और वो होने के बाद में वो चले गए तो uh, फिर फाइनली उनको उठा के लेकर गए उनके लास्ट राइट पे नेक्स्ट मॉर्निंग वो पूरे ब्रेड क्रम्स सर्वेंट ने साफ़ किए दैट मीन्स ब्रेड क्रम्स के लिए बर्ड्स नहीं आए थे बड़े बर्ड्स वहाँ पे अपनी ग्रैंड मॉम को uh, बाय कहने आए थे फेयरवेल देने आए थे क्योंकि अगर किसी ने उन्हें कभी इतने टाइम तक फीड किया था तो वो ग्रैंड मॉम ही थी तो और कौन बेटर हो सकता था उनके लिए तो उनकी तो ग्रैंड मॉम की डेथ हो गई थी सो इट वॉज़ ऑलमोस्ट द लास्ट टाइम वो उस घर में आए होंगे सो दैट इज़ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी बाई द वे ये आप फाइंड uh, आउट कर सकते हो आपको स्पेशल uh, पे भी देखने को मिल जाएगा ये सारे इफेक्ट इसके छोटे छोटा आ uh, इसके बाद में चलते हैं आप फोटोग्राफ पे और फोटोग्राफ एक पोअम है और ये जो पोअम है वो पोअम किसने लिखी है वो चवारी फटाफट से ओपी कर दीजिए पोएट ओपी कर दीजिए शेरली टोल से नोपी शेरली टोल से नोपी कर लीजिए फटाफट से हाँ जी जल्दी से जल्दी से शेरी टोल ओपी कर लीजिए उन्होंने इस पोम को लिखा है और इस पोम को लिखने के पीछे बस एक ही आ, रीजन है और वो है कि वो अपनी मॉम को अपनी आ, मॉम को चेरिश करना चाहती हैं उनकी मॉम के साथ में उनका जो यू नो बॉन्ड है उसे चेरिश करना चाहती हैं ये जो पोम है इस पोम के अंदर शैली टोलसन यू नो you know, याद करती है एक कार्डबोर्ड को देख के आपको पता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है लोग चेंज हो जाते हैं हमारी उनके साथ रिलेशनशिप चेंज हो जाती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग चले ही जाते हैं और आ, उनके साथ में कभी भी वापस कनेक्ट करने का तो कोई आ, ऐसा है कि कोई सोर्स ही नहीं होता तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो पोम है ये हम लोगों को बताती है कि हमारे पास ना फोटोग्राफ्स ऐसी चीज़ होती है जो कि आ, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा चेरिश करने के लिए किसी पिक्चर को देख कर और पिक्चर ही क्यों बहुत सारे ऐसे यूरो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम लोग वापस उस इंसान को याद कर सकते हैं हम उस इंसान को ज़िंदा रख सकते हैं उसकी मेमरीज़ को ज़िंदा रख सकते हैं और ऐसी एक फ़ोटोग्राफ हमारे पोएट के हाथ में भी है वो फ़ोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड पे पेस्टेड है और उस फ़ोटोग्राफ के आ, उस फोटोग्राफ के अंदर उनकी माम उनके दो कज़िन्स के साथ में है पीछे पूरा ऐसा सी है और वो वहाँ पे पैडल करने गई थी ऐसा उनकी माम उन्हें बताया करती थी आज जब शैली टोल्सन उस कार्डबोर्ड को उस पिक्चर को देखती हैं तो वो देखती है कि किस तरीके से आ, ये तीन लड़कियां वहाँ पर कितनी ज़्यादा खुश थी और मेरी मॉम जो कि एकदम बीच में खड़ी थी और बेटी और डॉली ने उनके हाथ पकड़े हुए थे और कैसे अंकल ने उन्हें बोला था ऐसा उनकी मॉम ने ऑलरेडी उन्हें बताया कि मतलब आ, कैमरा को देख के चीज़ करने के लिए और वो एकदम हंस रहे थे और आ, एकदम ऐसी अच्छी सी ब्रीज चल रही थी और एकदम यू नो बाल वाल उनके पूरे ऐसे उड़ रहे थे और उसमें उनकी वो एकदम नेचुरल स्माइल थी और आज जब वो इस पिक्चर को देखती हैं तो उस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो पीछे सी है वो कॉन्सटेंट है जो कि ये बताता है कि नेचर कॉन्स्टेंट होता है चीज़ें चेंज हो जाती है ह्यूमन ह्यूमन लाइफ जो है ह्यूमन लाइफ बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है और ह्यूमन लाइफ यू नो नेचर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है और अभी सी शायद चेंज नहीं हुआ सी शायद और भी चेंज नहीं होगा पर उस सी के आगे जो तीन बच्चे खड़े थे उनके रिलेशनशिप चेंज हो गई और उनमें से बहुत सारे लोग तो चले ही गए जैसे कि उनकी मॉम बोला कि ये ह्यूमन लाइफ की यू uh, नो you know, ये बता रहे हैं कितनी ज़्यादा टेम्प्ररी है ये ह्यूमन लाइफ है जिसके अंदर जिसे हम नेचर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि नेचर तो यहाँ पर है और यहीं रहेगा केवल हम लोग हैं जो कि चेंज uh, होते रहेंगे टेम्प्ररी uh, है और अपने रोल्स चेंज होते जाएंगे एंड कमाल की बात यह है कि ये इनएविटेबल है कोई इसे रोक नहीं सकता इसके बाद में आ, वो जैसे उस पिक्चर को देखती है उन्हें एक और यू नो मेमोरी याद आती है कि बोला कि मेरी मम्मा ना जब मैं पैदा हो गई थी यू नो सो मेरी मम्मा ना आ, उसको पिक्चर को देखती थी कुछ 20-30 साल बाद में और उस पिक्चर को देखकर यू नो हंसा करती थी और फूलती थी देखो शैर्ली देखो ये हम लोगों को कैसे तैयार किया है ये हम लोगों को बीच हॉलीडे के लिए कैसे तैयार किया था वो खूब हंसती थी, थी अब शैर् बोलती है कि मेरी मम्मा के लिए उस वक्त वो पिक्चर में जो तीन लड़कियां थीं वो उनका पास था जिसे वो देखकर कर हंसा करती थी कहीं ना कहीं मुस्कराया करती थी याद करा करती थी और मेरे लिए मेरी मम्मा का उस तरीके से हंसना मेरी मम्मा की प्रेजेंस पास्ट बन गया है मॉम का लॉस इतना ज़्यादा पेनफुल होता है और वो एक ऐसा वॉइड क्रिएट करता है लाइफ में कोई भी रिलेशन जो होता है उस रिलेशन का लॉस उतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना एक मॉम का लॉस फील होता है बिकॉज वो हमारा ओरिजिनेशन है और uh, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनेशन है इट्स लाइक वी एक्चुअली लॉस्ट अ पार्ट ऑफ़ आर लाइफ और uh, वैसा ही शैली को लगता है आज उनकी मॉम को गए हुए कुछ 12 साल हो गए हैं क्योंकि वो बताती हैं कि उस पिक्चर में मेरी मॉम 12 साल की थी और जितनी की वो उस पिक्चर में थी आज इतने ही साल मेरी मॉम को गए हुए हो गए बारह साल हो गए और उनकी मॉम उनके साथ नहीं है पर वो जो वर्ड उनकी मॉम के जाने से उनके दिल में क्रिएट हुआ है उनकी लाइफ में क्रिएट हुआ है वो डेथ जो साइलेंस लेकर आती है इन एक्टिविटी लेकर आती है एक वॉइड एक एम्टीनेस लेकर आती है शैली uh, टॉल्सन बोलती है मेरे पास इसे कहने के लिए कुछ है ही नहीं मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है इसे एक्सप्रेस करने के लिए ये बताता है कि शैली टॉल्सन कितनी ज़्यादा हेल्पलेस है यहाँ पर और शैली टॉल्सन ही क्यों सारे के सारे लोग कितने ज़्यादा हेल्पलेस होते हैं बिकॉज यू नो लाइफ इज़ लाइक कि हम लोग में से कोई नहीं चाहता कि हमारे लव्ड वंस को कुछ हो जाए बट दैट्स हाउ लाइफ इज़ यू नो इतनी इनएविटेबल डेथ uh, है और ऐसी ही यू uh, नो you know, प्रडिक्टेबल लाइफ है और ये जो एलिमेंट है यहाँ पे शैली टोल्सन ने बहुत ब्यूटीफुल दिखाया है हम लोगों को पोवम फोटोग्राफ में और राइट देन वी हैव वी आर नॉट अफ्री टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टूगैदर ये जो है ये बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर अगेन एल एन ईस्ट ने इस चैप्टर को लिखा है और uh, ये वाले चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारा एडवेंचर बहुत ज़्यादा थ्रिल देखने को मिलने वाला है ये चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ से नरेटर uh, जो है uh, जो कि एक थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन है वो अपनी वाइफ मैरी अपने छः साल के बेटे जॉनथन अपनी सात uh, साल की की बेटी सुजैन के साथ में आ, प्ले माउथ इंग्लैंड से निकलते हैं वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा वो चाहते थे कि वो यू नो कैप्टन कुक की जर्नी को यू नो वापस से ऐसा कर सके रिपीट कर सके और उसके लिए उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है हर तरीके के वाटर्स में उन्होंने जाके अपनी वेव वॉकर को टेस्ट किया सोलह साल तक उन्होंने ये चीज़ किया है और अभी बहुत महीनों तक उन्होंने ये चीज़ें की है एंड अभी फ़ाइनली उनको जब ये मौका मिल रहा है तो वो प्ले प्लेमाउथ इंग्लैंड से निकलते हैं वेव वॉकर के अंदर निकलते हैं वेव वॉकर उनकी बोट है जिस बोट के अंदर वो इस जर्नी को करने वाले हैं आ, जर्नी बहुत अच्छी जाती है लाइक पहला पार्ट जो होता है जर्नी का काफी अच्छा चल रहा होता है सारी चीजें एकदम प्लेजेंट होती है और यू नो दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन अभी ये बहुत प्लेजेंटली चला जाता है इसके बाद में फाइनली वो क्या करते हैं उनको ऑब्वियसली सबसे टफ वाटर्स जो है सबसे रफ वाटर्स जो है उसमें जाना होता है और वो है साधर्न इंडियन ओशन के तो साधर्न इंडियन ओशन के अंदर उन्हें जाना होता है इसके लिए उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है और वो यहाँ पर हेल्प लेते हैं हेल्प के लिए दो मैन को लैरी और हर्ब को वो अपने साथ में ले लेते हैं लैरी जो होता है वो अमेरिकन होता है जबकि हर्ब एक स्विस होता है दैट इज स्विट्जरलैंड से होता है और इसके साथ में वो अपना जर्नी वापस से स्टार्ट कर देते हैं अब उनका जो जर्नी है वो जर्नी स्टार्ट होता है और जर्नी में एकदम से ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर की बात है ट्वेंटी फ़िफ्थ ऑफ दिसंबर से थोड़ी चीज़ें चेंज होने लगती है uh, कहीं ना कहीं uh, बहुत ज़्यादा विंड्स uh, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो ब्लो करने लगती हैं इतनी ज़्यादा कि उन्हें डर लगने लगता है बट ठीक uh, है अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में होती हैं क्रिसमस uh, आ जाता है दैट इज़ ट्वेंटी दिसंबर आ जाता है ट्वेंटी दिसंबर दिसम्बर को uh, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम uh, में वो होते हैं वेदर बहुत ही ज़्यादा uh, ऐसा होता है कि uh, एकदम बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता ऐसे में भी वो अपने हॉलीडेज अपना वो पूरा क्रिसमस वगैरह ट्री वगैरह लगाकर और पूरा क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं इसके बाद में चीज़ें और ज़्यादा चेंज होने लगती है इन्वायरमेंट और खराब हो जाता है वेदर और ज़्यादा खराब हो जाता है वेदर uh, एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब होता है और uh, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं हो सकता है कि एक uh, या फर्स्ट जनवरी तक वेदर जो है वो सही हो जाएगा हाँ uh, या फिर चेंज हो जाएगा हाँ वेदर चेंज हुआ और वेदर चेंज ऐसा हुआ कि वो और खराब हो गया सेकेंड ऑफ जनवरी की बात है जहाँ पे इतनी खतरनाक वेव्स होती हैं इतनी ज़्यादा खतरनाक वेव्स कि आप सोचो कि उनको सेल करने के लिए एट नॉट्स पे सेल करना पड़ता है और इसके लिए वो जो बोट को है वो उसको स्लो डाउन करते हैं वो यू नो मोरिंग रोप की मदद से जिब की मदद से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो फटाफट से यू you नो know, ऐसे टाइम पर एकदम तैयार हो जाते हैं एकदम लाइव जैकेट्स पहन के और यू you नो know, पूरे ऑयल स्किन पहन के अपने राफ्ट बाहर निकाल के, के बस अभी अगर हम डूब भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग एकदम यू नो सेफ रहेंगे अब एकदम से क्या होता है पहला साइन जो है डिज़ास्टर का आता है और वो पहला साइन जो डिज़ास्टर का है वो साइलेंस से आता है वही तूफान के आने से पहले वाली शांति आ जाती है विंड जो है वो एकदम से ड्रॉप हो जाती है वो इतनी तेज़ जो विंड चल रही होती है वो एकदम से ड्रॉप हो जाती है और उसके कंपेरिजन में स्काई जो है वो एकदम से डार्क हो जाता है ऐसा उन्हें लगता है कि आ, बहुत आ, 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 यू नो आवाज़ आती है ना जैसे बहुत ख़तरनाक हवा की आवाज़ आ रही है या पानी एक बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा हो एकदम वैसा ही उन्हें एक रोर सुनाई देता है और ये जो रोर है इस रोर के बाद में उन्हें यह होता है कि जिसको ये क्लाउड समझ रहे हैं वो क्लाउड नहीं है वो एक बहुत बड़ी वेव है सारे के सारे वेव से दुगनी बड़ी वेव इस तरीके से बोट के ऊपर आ रखी है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक क्लाउड है और एक मिनट के लिए हमारे नरेटर को लगता है कि कोई बात नहीं ऐसा हो सकता है कि मैं आ, यू नो आ, इसके थ्रू चला जाऊंगा और इसके लिए वो बोट को कंट्रोल करता कोशिश करते हैं उसके थ्रू जाने की बट हो नहीं पाता और एक ट्रमेंडस एक्सप्लोजन जो है वो हो जाता है एकदम से जाकर बोट जो है वो आ, भिड़ जाती है इसके बाद में आप देखोगे कि डेक जो है वो डेक भी पूरा एकदम ऐसे शेक करने लगता है और नरेटर का जो सर है वो जाकर भिड़ता है व्हील में जैसे ही उनका सर वहाँ पे टकराता है वो एकदम से बोट के बाहर जा गिरते हैं आ, बोट के बाहर जाते हुए उनको रियलाइज़ होता है कि सच में उड़ता हुआ उन्हें अपने आप को रियलाइज़ किया इसके बाद में जब वो आ, उठते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वेव वॉर तो ऑलमोस्ट डूब रही है और सारे के सारे जो लोग है उनके जो फैमिली है वो वहां पे वेव वॉकर ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गई है और उसका मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है Uh, कैसे जैसे पूरी हिम्मत uh, करते हुए वो जाते हैं वेव वॉकर की तरफ वेव वॉकर में क्लाइम करते हैं अभी ऐसे वेव वॉकर चल रही है बट वेव्स कुछ इस तरीके से आ रही है कि जैसे वेव्स आ रही है तो उसके हिसाब से वेव वॉकर भी uh, ऐसे बहुत ज़्यादा शेक कर रही है और अंदर uh, जो बाकी की उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं और वो खुद जो है वो एकदम एक, एक रैक डॉल के जैसे इधर उधर इधर उधर हो जा रहे हैं कैसे जैसे स्विम करके क्रॉल करके वो व्हील तक पहुँचते हैं वो व्हील को कंट्रोल करते हैं कि कम से कम बोट को कंट्रोल किया जा सके उन्हें जाकर चेक करना होता है कि मैं जाऊं अंदर चेक करूं कि पानी कहां तक पहुंचा है पर उसके लिए वो व्हील नहीं छोड़ सकते इसी टाइम पे उनकी वाइफ मैरी आ जाती है और वो बोलती है कि पानी हम लोग को पूरी तरीके से पानी आ, में हम लोग यू नो ऑलमोस्ट डूबने वाले हैं क्योंकि पूरे बोट के अंदर पानी हो गया है तो इतने में हमारे जो नरेटर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम व्हील लो तो मैरी व्हील संभालती हैं और वो भागते हुए जाते हैं बच्चों के केबिन में वहाँ जाकर देखते हैं ऑलरेडी बहुत पानी भरा होता है और बच्चे ऊपर बंक पे बैठे होते हैं वहां पे उनसे पूछते हैं कि सारी चीजें ठीक है क्या बोला हाँ सब कुछ ठीक है सू बोलती है कि मेरा सर थोड़ा सा दुख रहा है और जैसे ही उसने ये बोला तो उसके सर पर एकदम बहुत खतरनाक ऐसे लंब बना हुआ होता है अभी यहाँ पे ऐसे अः चिंता करने के लिए हमारे आ, आ, आप सोचो आ, न, नरेटर के पास टाइम नहीं होता नरेटर कैसे अभी फिलहाल चिंता कर ले क्योंकि नरेटर को अभी सब लोगों को बचाना है नरेटर आज हर टू टेक द व्हील उन्होंने बोल दिया उनको व्हील लेने के लिए और जैसे वो वहाँ पे जाते हैं बच्चों से मिलते हैं उन्हें दिखता है हर चीज़ बर्बाद हो गई है क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ज टिन टॉयज सब कुछ इधर उधर इधर उधर हो गए बच्चे जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं सू को एक बड़ा सा बम्प हो गया है सर के ऊपर इसके बाद में वो जाते हैं वो कुछ हैमर स्क्रूज कैनवास लेकर आते हैं और वो पूरा रिपेयर करने की कोशिश करते हैं बड़ा सा कैनवास जो है वो स्ट्रेच करते हैं और पानी में जहाँ जहाँ पे भी मतलब पूरे बोट के अंदर ऐसा लगता है कि पानी आने के चांसेस हैं वहाँ पर उसे आ, बंद कर देते हैं आ, सारे जो गेपिंग होल्स हैं उन्हें बंद कर देते हैं अब वाटर एक्चुअली जो है उसको तो डिफ्लेक्ट कर दिया गया है मतलब उसका रास्ता चेंज कर दिया गया है वो वेव वॉकर के अंदर नहीं है तो अब उन्हें क्या करना होता है कि जो पानी ऑलरेडी वेव वॉकर में आ चुका है उसे बाहर फेंकना है इसके लिए लैरी और हर्ब जो है वो बड़ी बड़ी कोशिश करके और पूरा का पूरा पानी जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर इतने में ही उनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उनका जो पंप होता है वो ख़राब हो जाता है इसके लिए हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें बह बह के उसमें आ रही होती हैं तो इसके लिए वो पंप के अंदर सारा जो डेबरेस होता है वो चला जाता है बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे नरेटर के पास में इलेक्ट्रिक पम्प यू नो जो स्पेयर में पंप है वो पड़ा हुआ है एंड अभी वो फाइनली उसको पंप करके सारे पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इतना पानी आ गया है कि अभी पंप करने से कुछ नहीं होगा अभी और भी ज़्यादा पंप uh, करना होगा और वो बहुत uh, सारे के सारे लोग मिलकर और पानी को बाहर निकालने के लिए पंप्स uh, uh, करते हैं इसके बाद में उन्होंने फाइनली सोचा कि वो एक बार मेड है कॉल्स करके देखें दैट मींस हेल्प के लिए कॉल करके देखें अथॉरिटीज़ को पर उनके कॉल्स का कोई जवाब नहीं निकला कैसे निकलेगा इतना रिमोट कॉर्नर है पूरे वर्ल्ड का कोई कैसे यहाँ पे आने का सोचेगा कैसे उनकी मदद कर पाएगा इसके लिए उन्हें ये तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता और इतने में ही सुआ का जो आ, सर है वो और ज़्यादा सूत जाता है और आ, आ, इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि उसके आम पे कट लगा हुआ है और वो बताती है कि मैंने आपको इसके लिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ऑलरेडी हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो और हम लोग आ, आ, आपको और ज़्यादा टेंशन में या मैं आपको और ज़्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहती थी ये सारी चीज़ें हो गई है जनवरी थर्ड आ गया जिसके अंदर अभी पम्प्स की मदद से और ज़्यादा पानी रिड्यूज़ हो गया है सारे के सारे लोग अभी दो दो घंटे का रेस्ट ले पा रहे हैं अभी वो पंद्रह घंटे ऑलरेडी सरवाइव कर चुके हैं ऐसी हालत में जिसमें वेव वॉकर थोड़ा भी नहीं चल पाती इसके बाद में उन्होंने आ, आ, हमारे जो नरेटर है उनको ये तो पता चल गया था नरेटर ने कहा देखो भाई हम लोग किसी भी हालत में ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुँच सकते हैं ऑस्ट्रेलिया तो पॉसिबल ही नहीं है इससे अच्छा तो हम लोग कोई आस पास आईलैंड ढूँढ लेते हैं वहाँ चले जाते हैं उनको दो आईलैंड पास में मिलते हैं एक आईलैंड जो है एल एमस्टर्डम वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया बोला कि यहाँ पर हम लोग चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है जनवरी फोर्थ uh, को ऑलमोस्ट छत्तीस घंटे बाद में उस पूरे एक्सीडेंट के uh, उन्होंने कुछ तो खाया था और अभी भी थोड़ा सा uh, पानी रह रहा था बट ठीक है अभी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में थी और पहली बार उन्होंने खाया भी तो क्रैकर बिस्किट्स इसके बाद में उन्होंने अपनी दो दिन के अंदर लगभग अपनी फर्स्ट मील ली रिलीफ ऐसा लग रहा था कि ठीक है अभी पानी कंट्रोल में है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा बट ये रिलीफ इतना ज़्यादा लंबा था भी नहीं एकदम से चार बजे के आसपास और ज़्यादा जो क्लाउड्स हैं वो बनने लगे ऐसा लग रहा था अब और हैवी रेन होने की यू नो उन्हें लग रहा था कि ये चांसेस हैं अब वापस से जो विन्स हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई ऑलमोस्ट 40 नॉट्स पे वो चल रहे थे ये मेजरिंग यूनिट है इसके बाद में अभी सीज और सीज़ का मतलब यहाँ पे वेव है कि वेव और ज़्यादा हाई होते जा रहे थे एंड थ्रू आउट द नाइट वेदर और ज़्यादा वर्स हो गया पाँच जनवरी की बात है जब उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी नरेटर गए नरेटर ने जाकर अपने बच्चों को कंफर्ट करने का सोचा क्योंकि नरेटर हार मान चुके थे क्या करें अभी ऐसे सिचुएशन में वो कर भी गया सकते थे इंतजार कर सकते थे कि एक और वेव आएगी और उन्हें हिट कर देगी तो वो बच्चों के पास गए और बच्चों के पास जाकर उन्हें कम्फर्ट करने का उन्होंने सोचा बट इधर तो बच्चों ने ही उन्हें कम्फर्ट कर दिया जॉन ने बोला कि पापा आप ऐसे टेंशन मत लो हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि हम तो सब साथ में है ना और आप तो ट्राई करी रहे हो तो ये उन्होंने सामने रखा नरेटर को कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे थे जिससे वो अपने बच्चे को रिस्पॉन्ड कर सके कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी ज्यादा समझदारी वाली बात की और फिर उसी मोटिवेशन के साथ में वो गए वापस से उन्होंने स्टार बोर्ड साइड जो था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वापस जो रिपेयर्स थे वो करना स्टार्ट कर दिया अब इसके साथ साथ में अभी और पानी आने के चांसेस थोड़े कम हो गए थे कम से कम सिक्स जनवरी की बात है जब विंड जो थी वो थोड़ी सी कम यू you नो know, हो गई थी थोड़ी आ, वेदर में इम्प्रूवमेंट हुआ था अभी वो अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे थे जैसे ही उन्होंने सेक्सटैंट को देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अभी नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होने वाला है क्विक कैलकुलेशन उन्होंने की और क्विक कैलकुलेशन uh, करने के बाद में उनको ये कैलकुलेशन डिलीवर करनी थी लैरी को साथ ही साथ में सू वहाँ पर आई सू आकर उन्हें एक कार्ड देती है और वो बच्ची ने वो कार्ड बनाया था और बोला कि आप लिटरली बहुत अच्छे हो थैंक यू सो मच इतना सब कुछ हम लोगों के लिए करने के लिए और ये सारी चीज़ें देखकर वो और ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे कि मैं छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गया एंड एम नॉट इवन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं इनके लिए क्या करूँ और मैं इनको बचा नहीं सकता हूँ उनको और बुरा लग रहा था अब फाइनली कैलकुलेशन चेक करने के बाद में दो बजे के लगभग उन लैरी के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि आपको क्या करना है आपको 185 डिग्री में स्टर करना है अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कि हम लोग एल एम्स्टर्डम पहुंच जाएं लगभग पाँच बजे तो बोला लगभग पाँच बजे हम वहां पर पहुंच जाएंगे ये उन्होंने सोचा अब इसके बाद में उन्होंने हिम्मत हार गए थे वो वो गए अपर बैंक पर और जाकर सो गए जब वो उठे तो छह बज चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि बस अब तो छह बज गई है तो अब तो हमने सेंट परसेंट आइलैंड जो है वो मिस कर लिया होगा अब सी ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग यू टर्न लेकर वापस से आ जाएंगे तो बोला छः बज चुके हैं आइलैंड हो सकता है हमने मिस कर दिया है तो इसके लिए वो बड़ी ही टेंशन में उठे थे इतने में जॉन वहां पर आता है और वो बोलता है कि पापा कैन आई गिव यू आक बोला कि पापा मैं आपको एक हक कर दूँ क्या तो अभी यहाँ पर नरेटर जो होता है वो बोलते नहीं जॉन अभी अभी नहीं है वो टाइम अभी नहीं करना है जॉन अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है डैड पीछे सू भी आती है और सू बोलती क्यू डैड आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो आप वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हो आपने हम सबको बचा लिया आपको पता है आइलैंड वो रहा आपने आइलैंड ढूंढ लिया एंड देन उसके बाद में हमारे नरेटर एकदम खुश हो जाते हैं व्हाट और फिर वो देखते हैं तो एल एम्स्टरडम उनके पास होता है एल एम्स्टर्डम एक ऐसा आइलैंड है जो कि बस एक वोल्कैनिक रॉक है मतलब उस पर कुछ वेजिटेशन नहीं है कुछ ही नहीं है पर नरेटर कहते हैं मेरे लिए तो ना सबसे ब्यूटिफुल आइलैंड है वो दुनिया का ना सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है क्योंकि उनकी फैमिली को उस आइलैंड ने बचाया तो ही इज़ लाइक मेरे लिए तो सबसे ब्यूटिफुल आइलैंड है चाहे यू uh, नो you know, ये एक हो एक वॉलिक रॉक ही नेक्स्ट मॉर्निंग वहां पे कुछ 28 इनहेबिटेंट्स होते हैं 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 उस आइलैंड के वो वो आते आते पे हैं। पे हेल्प करते लैंड जैसे उनके uh, आते हैं अब हमारे नरेटर एकदम से ग्रेटफुल हो गए हैं वो ग्रेटफुल हो गए हैं लैरी और हर्ब के लिए जिन्होंने बहुत शानदार पंपिंग किया पानी बाहर निकाला व्हील uh, को संभाला वो ग्रेटफुल uh, है मैरी के लिए जो कि कॉन्स्टेंटली व्हील को संभाल रही थी जब नरेटर यू नो पूरे रिपेयर्स कर रहे थे और बच्चे इतने छोटे बच्चे थे उन्होंने इतनी समझदारी दिखाई सू जो कि जिसको इतनी तेज़ या सर पे लगी थी उसके कट आया था उसने फिर भी कुछ नहीं बोला जिसमें बहुत माइनर ऑपरेशन बाद में हुए क्योंकि उसे क्लॉटिंग हो गया था और जॉन एक छोटा बच्चा जो कि कहता है हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि हम सब साथ में हैं सो so, ये उन्होंने सबके लिए वो एक ग्रैटिट्यूड लास्ट वाले पैराग्राफ में एक्सप्रेस किया जी बिल्कुल आप भी वर्ल्ड के बहुत अच्छे बच्चे हो धन्यवाद हाँ जी तो ऐसा होता है अभी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के बाद में आ जाते हैं हम लोग डिस्कवरिंग ट्यूट पे इसको टट भी बोलते हैं है। मैम इसको ट्यूट बोलती है टट बोलना अच्छा नहीं लगता और प्रोनाउंसिएशन ऐसा है द सागा कंटिन्यूज ये चैप्टर बच्चा वाड़ी तीन पार्ट में डिवाइड हो रखा है इस चैप्टर को करने का सबसे अच्छा हाँ जी बेटा ट्वेल्थ की वन शॉट कल आएगी कल है वही एक बजे हाँ सो बच्चा आ या कशिश यू कैन डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू कवर एज मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज आई कैन आप देखो अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है एक बज के दस मिनट से और फिफ्टी टू हो गए हैं एंड अभी इतना ही चैप्टर करवाए हैं तो मैं जितनी भी पॉइंट्स कवर कर सकती हूँ मैं सारे पॉइंट्स इधर कवर कर रही हूँ रीज़न उसके पीछे यही है कि मैं नहीं चाहती कि आप जब इस वीडियो को देखो आपको ऐसा लगे कि यार अभी और मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपके एग्जाम्स के लिए एकदम सेंट परसेंट आप रेडी हो जाओ और जब आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखो तब भी आपको आ, सारी चीजें एकदम से रिवाइज हो जाए वही मेरा एजेंडा है इसके पीछे सो so, इसके बाद में बच्चा बारी हम लोग डिस्कवरिंग ट्यूट करते हैं चैप्टर तीन तरीके से डिवाइडेड है एक चैप्टर बात करता है जो सिटी स्कैन अभी हो रही है जाई हवास वाले पोर्शन की फिर उसके बाद में चैप्टर में बात होती है हावर्ड कार्टर की और एक पोर्शन जो है वो चैप्टर का बात करता है ट्यूट के आ, लीनेच की चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ये बताते हुए कि किस तरीके से ट्यूट के टूम में सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं वो आए हुए थे और वहाँ पे एक बहुत मतलब पूरे दीवार पे बहुत ब्यूटीफुल मूरल्स बने हुए थे पेंटिंग्स बनी हुई थी एंग्रेव किया हुआ था सारा ना ऐसा सो so, ये एक्चुअली ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था यू you नो know? इसको पूरा ऐसे देखना वॉज एक्चुअली वेरी अमेजिंग और आ, आ, लोग वहाँ पर बैठ कर उसको ही देख रहे थे बहुत सारे लोग ट्यूट को देख रहे थे और वो ट्यूट को देख कर और पूरा ऐसा ना बातें कर रहे थे बहुत सारे लोग अपने गाइड बुक्स पढ़ के और कुछ लोग ऐसे ना थोड़ा विस्पर कर रहे थे एंड देव देवर लाइक योर सच में ट्यूट का कर्स जो है वो रियल है क्या हाँ मतलब ये ट्यूट का जो कर्स है इसका जो श्राप है कि जो भी ट्यूट को जगाए आ, वो आ, या फिर उसको अपनी रेस्टिंग प्लेस से उठाएगा उस पर मिस फॉर्च्यून आ जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी ऐसी सारी बातें कर रहे थे और उधर ट्यूट एकदम गोल्ड से एकदम यू नो पूरी तरीके से कवर्ड वहाँ पर थे जाही आवाज़ ट्यूट को देखते हैं और ट्यूट को देख वो बोलते हैं कि ट्यूट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है आ, उस चीज़ की वजह से जो कि हारवर्ड कार्टर ने किया था हारवर्ड कार्टर कौन थे हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट थे उन्होंने ट्यूट को फाइंड किया नाइनटीन में और बहुत सर्च के बाद में जाकर ट्यूट उनको मिले थे तो जैसे ही ट्यूट वहाँ पर जैसे ही हावर्ड कार्टर को ट्यूट वहाँ पर मिले थे हावर्ड कार्टर ने सबसे पहले तो देखा एक, एक एक करके कि क्या क्या था सबसे पहले उन्होंने पहला कॉफ़िन देखा उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर ना जो गार्डेंस हैं जो मालाएँ पहनाते हैं किसी इंसान को दफनाए दफनाने से पहले तो बोला उसमें जो गार्डन है वो सारे ये बता रहे हैं कि जरूर ट्यूट की डेथ जो है वो मार्च अप्रैल में हुई होगी और इसके बाद बाद में वो गए उन्होंने देखा कि ट्यूट को बहुत सारी चीजों के साथ दफनाया गया था उस टाइम पे बच्चा पार्टी ये जितने भी यू नो ये इजिप्शियन रूलर्स होते थे इन्हें बहुत ज्यादा रिचिस के साथ में दफनाया जाता था उसके पीछे रीजन ये है कि इन्हें ऐसा लगता था कि अपनी वेल्थ को अपने साथ लेकर जा सकते हैं तो इन्हें ऐसा लगता था ये अपनी वेल्थ को अपने साथ लेकर जा सकते हैं और इसके लिए उनको उसके साथ में बेसिक चीज़ों के साथ पे दफनाया जाता था जो कि आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी सोचो so, ट्यूट को तो सारे जो भी ज्वेलरी सारा जो भी अडोन्मेंट के लिए चीज़ें चाहिए होंगी वो सबके साथ दफनाया गया रेज़र के साथ दफनाया गया वाइन के साथ दफनाया गया खाने पीने के केसेस के साथ दफनाया गया बोर्ड गेम तका तक के साथ दफनाया गया इसके बाद में फाइनली जब हावर्ड कार्टर ट्यूट तक पहुँचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि ट्यूट को रेजन्स की मदद से दफनाया गया होगा जब दफनाते हैं तो एक रिचुअल होता है और उसमें रेजन अप्लाई किया जाता है और वो रेजिन जो है वह रेजिंग बहुत चिपचिपा सब्सटेंस होता है और वो क्या था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ट्यूट की डेथ कब हुई थी यार तीन, तीन साल पहले तो तीन, तीन साल पहले उसको दफनाया गया था तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो रेजन्स थे वो एकदम कठोर हो गए थे और ट्यूट की बॉडी जो है वो कॉफिन के साथ में चिपक गई थी अभी यहाँ पे एकदम चलो ऐसा करता हूं और धूप में रख दूंगा तो धूप में इतनी तेज धूप आ रही है और इसकी मदद से ये रेजन जो है पिघल जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अब क्या करते तो इसके लिए उन्होंने लिया एक हथौड़ा और ठक टक 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 करके पूरा ट्यूट की बॉडी को अलग कर दिया ट्यूट की बॉडी को टुकड़ों में करके उन्होंने सैंड पे एक वुडन कॉफिन के अंदर डाल दिया अभी जब कार्टर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्हें लग रहा था कि मैंने तो फिर भी ये किया है अगर बाई चांस किसी तो थीफ को इसके बारे में पता चल जाता तो वो गार्ड को तो ऐसे दो ऐसे मार के और अंदर आ जाते उन्हें गोल्ड से मतलब होता उन्हें कॉफिन से क्या मतलब उन्हें कॉफिन से मतलब होता उन्हें ट्यूट से क्या मतलब था इसके लिए मैंने गोल्ड से ट्यूट को अलग कर दिया तो किसे अगर कोई आए या कुछ भी हो तो वो गोल्ड के उसमें वो उधर ले जाए ट्यूट को कोई फ़र्क ना पड़े तो इसके लिए उन्होंने ट्यूट को वापस वैसे लगाया और एक वुडन कॉफिन में डाल दिया बेचारे ट्यूट को गोल्डन कॉफिन में दफनाया गया था और यहाँ पे बेचारा ट्यूट बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था आ, वुडन कॉफिन के अंदर आर्क्योलॉजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत चेंज हो गई है पहले आर्क्योलॉजी ना ऐसे बहुत ऐसे ट्रेजर और इन सारी चीज़ों के बारे में थी अब आर्क्योलॉजी ना लाइफ के डेथ के uh, जो ना ट्रूथ्स uh, हैं उनके बारे में हो गई हैं उनके फैक्ट के बारे में हो गई है एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स टू नो दिस तो ये uh, uh, पूरा कॉन्सेप्ट है और इसके बाद में अब फाइनली क्या होता है अनाटमी की एक प्रोफेसर होते हैं वो ट्यूट को ढूंढते हैं नाइनटीन की बात होती है और वो रिवील करते हैं एक्सरेज की मदद से कि ट्यूट की जो ब्रेस्ट बोन है वो मिसिंग है एंड बहुत सारे ऐसे स्टार्टलिंग यू नो वो अनाउंसमेंट्स करते हैं बताते हैं कि ऐसा ऐसा है ट्यूट की बॉडी के साथ में अब उसके बाद में सीधा जो है uh, ट्यूट की बॉडी को लेकर जाया जा रहा है सी uh, स्कैन के लिए और ये ऑलमोस्ट अस्सी uh, साल बाद हुआ है यू नो हावर्ड कार्टर के डिस्कवरी के बाद में ट्यूट को मरे हुए 3,300 साल हो गए पर हाँ पावर्ड uh, कार्टर की डिस्कवरी से लेकर उनको सी स्कैन के लिए लेकर जाना जो कि एक बहुत ही अपडेटेड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप पूरी तरीके से मतलब पूरा फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन हो सकता है तो वो वो जो है आ, उस तक लेकर जाना टुक 80 years एंड अभी आ, ट्यूट की जो बॉडी है उनको सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाएगा इसके बीच में एक आ, ट्यूट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया जाता है ट्यूट जो है वो अपनी पूरी डायनेस्टी के लास्ट फरो थे तो पूरी डायनेस्टी के लास्ट किंग थे ट्यूट क्योंकि इनके बाद में इनकी पूरी डायनेस्टी में कोई था ही नहीं ये अगर इनकी डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए तो आ, स्टार्टिंग होती है एम एन थर्ड से एम एन थर्ड जो कि ट्यूट के दादाजी थे वो बहुत स्ट्रांग बहुत फेमस किंग रहे अपने टाइम के 40 सालों तक उन्होंने रूल किया फिर उन और वो आमुन को मानते थे बहुत ज़्यादा अब आ, उनके जो बेटे थे एम एन हॉट एफ फोर्थ वो बस एकदम ही उल्टे निकले वो एटन को मानते थे तो उन्होंने पहले तो अपना नाम चेंज करके कैंटिन रखा उसके बाद में आमुन के सारे जितने भी मंदिर थे मूर्तियाँ थी वो सब तोड़ दिया एकदम ऐसा ना ख़त्म कर दिया उसको आ, इसके एडिशन के अंदर आ, उन्होंने ना एटन को वर्शिप करने के लिए बोला रिलीजियस कैपिट टल चेंज कर दी तो फिर अभी ऐसे अजीब सा उनका उनका जब वो रूल कर रहे थे अजीब सा आ, रेन था उस टाइम का आ, उनकी डेथ हो गई उनकी डेथ होने के बाद में बीच में एक मिस्टीरियस रूलर आए जिनका नाम समिन खाकरे था वो आए उन्होंने पता नहीं कहाँ से आए कहाँ चले गए उनके बाद में अगर किसी ने रूल किया तो वो थे ट्यूटन खामुन आ, ट्यूटन खामुन का नाम अख्याटन ने ट्यूटन खाटिन रखा था और अभी ट्यूटन खाटिन जो है उन्होंने बोला मैं तो ये नाम नहीं रखूँगा वो अपने दादाजी के जैसे बनना चाहते थे तो सबसे पहले उन्होंने अपना नाम चेंज करा और नाम रखा ट्यूटन खामुन और या टटन और उसके बाद में उन्होंने आटन को हटा के आमुन को वापस से प्लेस किया और कुछ नौ साल तक उन्होंने यू नो राज किया टीन में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ पता नहीं एक तो मिस्ट्री के साथ हुई थी एकदम से उनकी डेथ हो गई थी इसीलिए सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्यूट ट्यूट मरे तो मरे कैसे और इसीलिए पूरा सीटी स्कैन और ये सब कुछ कराया जाए आ, रहा है आ, अभी जब सी स्कैन के लिए उन्हें ले जाया जाता है टू के अंदर तो सारे लोग उनको ऐसे उठा लेकर ले जा रहे होते हैं उनके कॉफिन को जब वो कॉफिन को लेकर जा रहे होते हैं और अंदर लेकर जाते हैं तो अजीब सा मौसम हो जाता है आ, वापस भागते भागते आते हैं और बोलते हैं कि आ, इतना मिलियन डॉलर का जो स्कैनर है वो रुक गया क्योंकि कूलर फैन में थोड़ी सैंड चली गई थी तो अभी वो फाइनली क्या करते हैं अभी जाते हैं और जाकर आ, कुछ टेबल फैंस लेकर आते हैं और उसकी मदद से वापस से वो स्कैनर चलने लगता है थैंकफुली uh, कोई भी डेटा यू uh, नो you know, वो लूज़ नहीं करते हैं और अभी ट्यूट की बॉडी के रिलेशन में सारा का सारा डेटा उनके पास होता है अभी ये सीटी स्कैन अच्छे से हो जाता है तो ज़ाहिर आवाज़ जो है वो चैन की सांस लेते हैं वो तो पिछले दिन मतलब सो भी नहीं पाए थे वो बताते हैं uh, सारा का सारा डेटा वहाँ पर मिल जाता है क्या हुआ क्या नहीं ये चैप्टर के अंदर रिवील नहीं किया वापस से ट्यूट को उनके यू नो you know, जो वैली ऑफ द किंग्स है उसमें दफनाया जाता है जहाँ पे उन्हें प्रीस्त ने दफनाया था जैसे ही वहाँ पर उसे दफनाते हैं तो एकदम से ऊपर एक कॉन्स्टलेशन क्रिएट हो जाता है वो कॉन्स्टलेशन उनके आफ्टर लाइफ के गॉड का कॉन्स्टलेशन है जो कि ओरियन है एक्चुअली और ओरियन क्रिएट हो जाता है और आ, वो देख ऐसा लगता है जैसे कि उनके गॉड जो है आफ्टर लाइफ के वो अपनी बॉय फरोड ट्यूट को वापस प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एकदम से ना आ, काला सा हो जाता है पूरा वेदर चेंज हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट डार्क हो जाता है एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगती है एक बहुत ही शांत विंड जो है वो चलने लगती है और ज़ाहिर आवाज़ और सारे लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं सो दैट इज़ द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्यूट डिस्कवरिंग ट्यूट अच्छा चैप्टर है इंटरेस्टिंग चैप्टर है सिर्फ इसका लास्ट का जो है वो नहीं बताया गया कि आखिरकार होता क्या है तो उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना आ जाते हैं लेबर्नम टॉप पे लेबर्नम टॉप क्या है लेबर्नम टॉप एक ऐसी पोएम है आ, जो कि किसने लिखी है बच्चा वाड़ी फटाफट से पोए टोपी कर दीजिए लेबर्नम टॉप किसने लिखा है फटाफट से पोए टोपी कर दो कमेंट सेक्शन में मस्त बातें कर रहे हो ना तुम हाँ टीनेज में भी और तब भी आठ नहीं नौ साल रूल किया था हाँ और राइट रीज़न्स क्या होता है आपने जो रेजन की स्पेलिंग लिखी है ये तो किशमिश होता है पर यहाँ पे जो डिस्कवरिंग ट्यूट में रेजन था वो एक चिपचिपा सब्सटेंस है जिसके साथ में बॉडी को दफनाया जाता है नहीं बेटा वॉइस ऑफ रेन नहीं आ रहा है आपके टर्म वन में राइट हाँ जी आज से स्टार्ट हो रहा है अशर, बिल्कुल सही है आज से स्टार्ट हो रहा है मेरा कोर्स साढ़े तीन बजे से यस yes, सो so साढ़े तीन बजे से ज्वाइन कर सकते हो प्लस पे और उसके अंदर अभी तक अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाया तो डिटेल में पूरे एम और पूरा समरी आपको देखने को मिलने वाला है वाह जिया दैट्स अमेजिंग थैंक यू सो मच यार आई एम ग्लैड दैट यू अप्रिशिएटेड थैंक यू सो मच सो इसी बात पर बच्चा वाड़ी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो अच्छा नहीं हो क्या यहाँ पे ही ओके okay, चलो मैं बता देती हूँ हाँ सो so, जो भी बच्चे नए हैं हाई I am your officially super educator on An uh, My name is Shipra Mishra. I'm an advocate by profession. I teach English and political science on An Academy. However, I used to teach business studies and lot of other commerce subjects and humanities subjects because of the two backgrounds that I have. But yeah, kind of stopped it now. Uh, so I'm only teaching English and political science. And English is a subject that goes uh, well with science, commerce, and humanities. So all of you all. कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो ह्यूमैनिटीज से साइंस से कॉमर्स से एंड यू कैन अटेंड माय इंग्लिश लाइक लेक्चर्स एंड इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड स्टार्टिंग इंग्लिश देन यू कैन जॉइन मी फ्रॉम टुडे ऑन प्लस यूजिंग कोड एच डी सी लाइव थ्री थर्टी हम लोग का एक बैच uh, लाइव हो रहा है एक कोर्स लाइव हो रहा है जिसमें एकदम हर एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और डेढ़ महीने के अंदर अंदर सब खत्म

तो अभी आपको पता है आ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे तो अभी लेबर्नम टॉप है और लैंडस्केप ऑफ द सोल है तो लैंडस्केप ऑफ़ द सोल भी कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको ब्रेक दूंगी अच्छा खासा और अच्छा खासा ब्रेक के बाद में इसी वीडियो पे इसी चैनल पे हम वापस मिलेंगे तो इसी वीडियो पर इसी चैनल पर हम वापस मिलने वाले हैं और फिर एकदम से कनेक्शन में वापस स्टार्ट कर देंगे हमारा कौन सा वाला है वो वॉट इज इट दी स्नैपशॉट तो पूरा स्नैपशॉट और ये सब कुछ जो है वो पूरा मैं इसके अंदर ही कम्प्लीट कर, कराने वाली हूँ तो अभी तो हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे आप लोग इतनी देर से मेरे पास बैठे हो तो इसको कंप्लीट करने के बाद में यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में इसी चैप्टर पर अभी इसी चैनल पर अभी नहीं थोड़ा ब्रेक ले लेंगे मैं भी थोड़ी क्लासेस लेकर आती हूँ आप भी थोड़ी क्लासेस ले लो और फिर आराम से रात में वापस इसे कंटिन्यू करेंगे स्नैपशॉट को तो आज के दिन में ऑलमोस्ट दो घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा है ना तो ऐसा हम करने वाले हैं और दो वीडियोस नहीं होंगे एक ही है इसी के अंदर होगा सब कुछ बस ब्रेक बीच में आ जाएगा और राइट चलो स्टार्ट करें और राइट सो लेबॉनम टॉप जैसे कि आपने ओ पी किया बिल्कुल हाँ नो 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 सैम्पल पेपर्स फॉर ग्रेड इलेवेंथ नहीं है बट आई नो दैट यू गाइज नीड टू सी द पेपर पैटर्न सी बी एस ई ने बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया बट आई विल आई विल डू दिस आई विल डू दिस फॉर यू मैंने डिसाइड किया है मैं सैम्पल पेपर आपको कराने वाली हूँ और इसी चैनल पर कराने वाली हूँ सी बी एस ई ने नहीं किया पर मेरे को आपको एक आइडिया देना था कि हाउ विल योर पेपर लुक एग्जैक्टली सी बी एस ई के पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड आप उसको देख सकते हो आप मेरी उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो इसी चैनल पे होने वाली है और ना आप मेरे साथ में वो कर सकते हो स्पेशल पे भी वो फ्री क्लासेस होते हैं उसमें तो पोल भी कर पाओगे मैं करवाऊंगी सी ने सैम्पल पेपर्स नहीं लॉन्च किए पर मैं आपको सैंपल पेपर्स करवाने वाली हूँ इंग्लिश के क्लास इलेवेंथ के लिए और राइट हाई साइली और लेनम टॉप ने लिखा है और ये जो है एक छोटू सा पोम मैं बहुत प्यारा सा यहाँ पे ना एक ऐसे लेबरनम ट्री के बारे में बात होती है जो येलो कलर के उसके ना लीव्स होता है बहुत पॉइजनस ट्री है तो एकदम स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं ना एकदम डेड होता है वो उसके अंदर कुछ भी आ, कुछ भी नहीं हो रहा मतलब उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही खड़ा हुआ एकदम पॉइजनस डेड लग रहा है सेप्टेंबर की बात है अभी जो महीना चल रहा है ऐसी अब इसमें क्या होता है यूजुअली मानसून जो होता है वो ऑफसेट पे होता है जाने वाला होता है बाय बाय करने वाला होता है तो ब्राइट सनलाइट होती है और वो ब्राइट सनलाइट के साथ में वो ट्री ऐसे खड़ा रहता है इतने बिना वहाँ पर चींची चींची करती हुई एक छोटी सी या या सोम्यल वी आर गोइंग टू डू दैट टुमारो टुमारो वी कंप्लीट फॉर क्लास ट्वेल्थ डोंट वरी तो वो तो चिची चिंची करती करती छोट उसी गोल्डफिंच आती है आह एकदम ब्राइट येलो कलर की उसके ऊपर ना ऐसे बार्स बने हुए होते हैं तो वो आती है वहाँ पर जैसे ही वो आती है इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं चुप 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 करके अंदर जाती है उसके मूवमेंट्स ऐसे होते हैं ना और वो इसकी उसकी बॉडी ऐसी होती है जैसे लिजाड की बॉडी नहीं होती एकदम स्लीक एकदम शाइनी एकदम वैसी उसकी बॉडी होती है और उतने उतनी अब्रप्टस के साथ में और उसी तरीके से वो क्या करती है अंदर चली जाती है उसके बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मा आई है तो बच्चों बच्चे देख एकदम ची 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 करना स्टार्ट कर देते हैं वो अब अपने पंख एकदम फड़फड़ाने लगते हैं फ्लैप करने लगते हैं अपने विंग्स को और अपनी मम्मा को ग्रीट करने लगते हैं पूरा ट्री जो अभी तक शांत था एकदम से ट्रेम्बल करने लगता है क्योंकि कुछ तो एक्टिविटी वहाँ हो रही होती है अब गोल्डफिनच अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो उनको खाना खिला देती है और सारे बच्चों को एकदम पेट भर जाता है और आराम से वो खाना खा लेते हैं तो गोल्ड फिंच क्या करती है गोल्डफिन फिर से देखती है अच्छा गोल्डफिनच का आना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ तो स्टार्ट हो गया कुछ तो मशीन स्टार्ट हो गया है तो एकदम ऐसा लग रहा होता है और गोल्डफिंच का आना एकदम ऐसा लग रहा होता है कि यार कुछ तो अभी यहाँ पे हुआ और आ, वो इंजन इसीलिए अपने फैमिली का और इसके बाद में गोल्डफिंच अपने बच्चों को खाना खिलाने के, के बाद में आ, वो धीरे 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 से दूसरे ब्रांच के साइड पर जाती है वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं लीव्स होते हैं लेबर्नम के तो फिर वो उसके ऊपर आ जाते हैं एकदम से कैमो इफ़ेक्ट आ जाता है ताकि से कोई उसे पहचान ना पाए इसके लिए गोल्डफिंच ने अपने बच्चों को लेबर्नम ट्री के अंदर छुपाया हुआ है फिर इधर उधर देखती है और फिर वही विसिल के साथ में वो क्या सिंगिंग बर्ड है तो वही के साथ में एकदम एकदम उड़ जाती लॉन्च जाती है की तरफ और बेचारा वो वापस से शांत हो जाता है वापस एकदम डेड हो जाता है एकदम डेथ जैसा बता देता है ऐसा एकदम में डस्ट ऑफ स्नो देखा था ना एकदम वैसा सा पुआ मैं ये चलो लास्ट चैप्टर कराती हूँ तुमको लैंडस्केप ऑफ द सोल इसके साथ में ना हॉर्नबिल हो जाएगा एकदम कम्प्लीट हॉर्नबिल हो जाएगा कम्प्लीट ब्रेक लेंगे ब्रेक लेने के बाद में वापस से कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे रात में तो रात में स्नैपशॉट इसमें डाल देंगे और फिर एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा मिल जाएगा आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और सारी चीज़ें दिमाग में भी जाएगी एक साथ में आप सोचो आपने हॉर्नबिल कर लिया है और वो भी तकरीबन मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में तो आपने हॉर्नबिल कर लिया पूरा बस एक घंटे में एक घंटा एक घंटा ही हुआ है और एक घंटे के अंदर अंदर आपका ऑलमोस्ट हॉर्नबिल हो गया तो फिर इसके बाद में अभी आप रिलैक्स करोगे और उसके बाद में रात में अभी स्नैपशॉट हम लोग करेंगे तो वो वापस से एनर्जी के साथ में आप आओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पूरा हॉर्नबिल कम्प्लीट कर लिया नहीं चलाना पता ऐसे पढ़ाती हूँ मैं ऐसे पढ़ा करो अभी तो क्या है मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था नहीं तो मस्त ऐसे पूरा ऐसा एक्टिंग करके दिखाती हूँ मैं तो अच्छी से समझ में आता है तो भी आपकी एग्जाम्स है ना इसके लिए थोड़ा सीरियसनेस से अच्छा अच्छा पढ़ा दिया नहीं तो फिर मस्त ऐसे तुमको मिमिक्री करके दिखाती इन सबकी फिर और अच्छे से समझ में आता कोई ना लेबर्नम टॉप सॉरी लैंडस्केप ऑफ द सोल बच्चा फटाफट से बता दो लैंडस्केप ऑफ द सोल किसने लिखा है ओपी कर दो नैथली ओपी कर दो नैथली ओपी जल्दी से नैथली ने इसको लिखा है ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर आर्ट के बारे में बताता है चैप्टर की शुरुआत होती है एक चाइनीज स्टोरी से जिसके अंदर वू हाउजी एक पेंटर होता है और वो पेंटर एट्थ सेंचुरी के पेंटर होते हैं उन्होंने एक एम्परर है उस एम्परर के लिए क्या किया है आ, आ, एक पेंटिंग बनाई होती है क्योंकि एम्परर ने बुलाया होता है उनको पेंटिंग आम, आ, उनकी बुलाई होती है ताकि से वो अपने ऐसे पैलेस की वॉल को सजा सके तो वो अभी वहाँ पर पेंटिंग पे से पर्दा उठाते और इतना खूबसूरत लैंडस्केप होता है इतना खूबसूरत माउंटेन्स एंड वाटरफॉल एंड फॉरेस्ट एंड यू नो मैन क्लाइंबिंग और मे बी ट्रैकिंग और यू नो इतनी सारी इतना ब्यूटिफुल होता है कि वो एम्प्रो से देखता ही रह जाता है बट कहीं कही ना कहीं पेंटर को लगता है कि एम्प्रेयर ना केवल उसकी आउटर ब्यूटी को देख रहा है और उनको बिल्कुल भी थैंक यू एकांश थैंक यू सो मच तो uh, उसकी आउटर ब्यूटी को देखता है उसकी इनर ब्यूटी को रियलाइज ही नहीं करता तो अभी हमारे ये कौन से कम थे uh, हमारे पेंटर पेंटर बोलते हैं अरे यो अरे योर हाइनेस आप देखिए आपको ये माउंटेन में जो केव दिख रही है ना इस केव में एक स्पिरिट रहता है एक स्पिरिट है यहाँ पे मतलब यहाँ पर आ, एक भूत रहता है फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे करने से केव जो है वो खुल जाती है केव खुल जाती है तो केव खुलती से अंदर इतना ब्यूटीफुल होता है इतना ब्यूटीफुल होता है जो कि ये बताता है कि एम्परन ने केवल आउटर ब्यूटी देखी थी उस पेंटिंग की अगर वो इनर ब्यूटी देखता तो उसे वो ब्यूटी पहले ही दिख जाती जब वो उसे केव में ऐसे आ, ऐसे ऐसे करके केव दिखाता है तो वो जो अंदर उसे दिखता है वो उस पेंटिंग की उस आर्ट की इनर ब्यूटी थी इसके बाद में वूड आउजी जो पेंटर है वो तो केव के अंदर चला जाता है और बोलता है लेट मी शो यू द वे लेट मी शो यू द वे का मतलब है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इनर ब्यूटी कैसी होती है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसके

इसके साथ साथ में आ, वो एक और स्टोरी हमारे सामने आती है इतना ड्रैगन होता है वो ड्रैगन में एक पेंटर उसकी आँखें नहीं बना रहा होता क्योंकि वो ड्रैगन इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा रियल लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने इसकी आँखें बना दी तो कहीं उड़ता नहीं जाएगा इसके साथ साथ हमने देखा कि एक तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का एक और स्टोरी है और वो स्टोरी है आ, क्विंटन मिट्सी का एक अपने ज़माने का मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है आ, वो उसको ना एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है फिर आ, वो जाता है तो वो पेंटर आ, पेंटर मना कर देता है बोलता है मैं तो मेरी बेटी की शादी एक ब्लैक स्मिथ से कभी नहीं कराऊंगा तो अभी ना गुस्से में मित्सी जाके आ, क्विंटन जाके उस पेंटर के एक पैनल के ऊपर एक मक्खी बनाकर आ जाता है वो मक्खी इतनी रियल होती है इतनी रियल लग रही होती है कि पेंटर आता है पेंटर आके आफू आफू कर रहा होता है उसको हटा रहा होता है पर वो हटती नहीं है फिर उन्हें समझ में आता है कि अरे ये तो पेंटिंग है और फिर तुरंत ही जो क्विंटन है उसको अपने पास में वो इंटर्नशिप के लिए रख लेते हैं और अभी क्विंटन बहुत बड़ा पेंटर बन जाता है और उसकी उसकी गर्लफ्रेंड से शादी भी हो जाती है ऐसा आ, ये सारी स्टोरीज़ में लास्ट वाला स्टोरी जो है ये वेस्टर्न यूरोपियन आर्ट को बताता है जो कि ना एक रियलिज्म क्रिएट करने के पीछे है मतलब वो ना एक रियलिज्म क्रिएट करना चाहते हैं वो कोई ऐसी मतलब वो जो अपने आर्ट में ना ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे कि आपको उसको देखकर ऐसा लगे कि ये सच में है कि आपको एकदम डिफरेंट समझ में नहीं आए वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं जबकि चाइनीज़ पेंटिंग जो है चाइनीज़ पेंटिंग दिल से आती है वो स्पिरिट दिखाती है वो बताती है आपकी इनर स्पिरिट से बात करती है एंड uh, ये दोनों के बीच में जो है इनर लाइफ जो है एशिया में दिखाई जाती है तो ये दोनों के बीच का कंपैरिजन जो है वो यहां पे बताया हुआ है चाइनीज स्टोरी में आप देखोगे कि एम्प्रर अप्रिशिएट करता है आउटर अपीर को पेंटिंग में पर आर्टिस्ट को पता होता है कि उस पेंटिंग का ट्रू मीनिंग क्या है और इसके लिए आर्टिस्ट उसको बोलता है लेट मी शो यू द वे और uh, uh, अगर हम लोग यूरोपियन पेंटर्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ यू you नो know, uh, उनके पीछे एक ही रीजन होता है वो पेंटिंग बना

चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें लो आप उसके जैसे करो जबकि चाइनीज पेंटर तो ये चाहता है कि आप उसके माइंड में जाओ आप ये सोचो कि यार ये क्या बनाया है आप वो सोचो ना ऐसा ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी बताया है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है उसके अंदर भी होता है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो आप जैसे जैसे उसे खोलते रहते हो आप ना उसमें फिज़िकली और मेंटली ट्रैवल करते हो आप उसको अप्रिशिएट करते हो आप उसके अंदर ट्रैवल करते हो आप अपना व्यू पॉइंट वहाँ पर बनाते हो तो ये आइडिया जो है ये चाइनीज़ पेंटर्स का है ये ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जो है ये शानशुई में भी ए, उन्होंने बता रखा है शानशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर तो शानशुई का मतलब है माउंटेन वाटर जो कि एक्चुअली वर्ड लैंडस्केप को बताता है हम लैंडस्केप बनाते हैं तो लैंडस्केप के अंदर यही होता है ना चारी ऐसे बढ़िया से माउंटेन बचपन में बनाया होगा ना तुमने ऐसे mountain, नीचे पानी हाँ इधर एक छोटू सा हट इधर तो कहीं तो ट्री और इधर तो सूरज और ऐसे दो कौवे हाँ बादल तो ऐसा यही तो है लैंडस्केप तो इसके अंदर आप देखोगे कि इस लैंडस्केप के अंदर मेजर रोल तो माउंटेन और वाटर ने ही प्ले किया है और मैं कुछ रही है बस इसके लिए अभी मैं इसको हटा देती हूँ पर राइट सो so, यहाँ पे ये लैंडस्केप चाँचुई है ये दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है दाओइज्म में दाओइज्म में यहाँ पे सबसे पहले माउंटेन को क्या बताया गया है यांग बताया गया है यांग क्या है यांग ऐसा लगता है जैसे हेवन की तरफ जा रहा हो बहुत स्टेडी बहुत वार्म बहुत ड्राई है जबकि दूसरे साइड पर हम देखें तो वाटर को बताया गया है यिन जो कि ना हॉरिजोंटल है अर्थ पे है बहुत फ्लूइड मॉइस्ड कूल है ये बेसिक आइडिया डाउइजम का जो है ये बताता है कि कैसे पूरा यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है इनके इंटरेक्शन से बोला यांग और यिन के इंटरेक्शन से ही तो पूरा का पूरा यूनिवर्स बनाया हुआ है यिन यहाँ पर एक फेमिनिन पार्ट प्ले करता है एक यू नो यूनिवर्सल एनर्जी का जबकि यांग जो है वो मैस्क्यूलिन पार्ट प्ले करता है पर इस इंटरेक्शन का एक बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले करता है मिडिल वर्ल्ड आप जब भी पेंटिंग्स को देखते हो तो उसके अंदर ना एक स्पेस होती है जो खाली होती है वो मिडिल वाइड होता है वाइड का मतलब होता है खाली तो वो मिडिल वाइड चाइनीज लैंडस्केप में वाइट कलर का स्पेस होता है जो पेज पे खाली छोड़ दिया जाता है ये जो मिडिल वॉइड है ये एकदम योगिक प्रैक्टिस से कंपेयर किया गया है आप जब भी एक पेंटिंग को देखते हो आप बस उस मिडिल वॉइड में वहाँ पे प्राणायाम करते हो यू लुक एट इट एंड यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड यू थिंक अबाउट थिंग्स यू नो मेडिटेशन वहाँ पर होता है ये मिडिल वॉइड इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ होने के साथ साथ लाइफ है माउंटेन और वाटर के साथ साथ में यूनिवर्स हमसे बना है और हमारा रोल उस मिडिल वर्ल्ड पे है वहाँ पे लाइफ है एंड दैट इज़ वाई मिडिल वर्ल्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि चैंग्स ने बोला कि हम लोग मैन बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि वही तो है आँखें लैंडस्केप की अगर लैंडस्केप बना दिया पर उसमें एक पेंटर ने आर्ट बना दिया तो अभी अगर हमारा हम लोगों का कोई रोल नहीं होगा अगर ह्यूमन बींग्स का मैन का कोई रोल नहीं होगा तो उस लैंडस्केप की खूबसूरती को कौन जानेगा सारी चीजें पेंटर करता है माउंटेंस पेंटर बनाता है वाटर पेंटर बनाता है पर देखने का काम इंसान करता है तो वो हमारा काम होता है वहाँ पर हम हमारे थाट्स को प्रिंट करते हैं हमारी जर्नी बनाते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये दाउज का कॉन्सेप्ट है बच्चा बारी इसके साथ साथ में ना आपको एक और चीज में बता देती हूँ कि ये चैंग का व्यू है बाय द वे सो so, एक और चीज़ मैं आप आपको यहाँ पे बता रही हूँ और वो ये है कि शॉन डुबोफे जो है उन्होंने एक आउटसाइडर आर्ट का कॉन्सेप्ट जो लाया था वो नाइनटीन फोटीज़ में लाया था बुक में ना ये बॉक्स में है और इस पर से क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा चैप्टर वहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो ना नाइनटीन uh, फोटीज़ में वो लेकर आए थे दे वो देन ओनली अ फ्यू वर इंटरेस्टेड इन आर्ट ऑफ दी इन एक्सपीरियंस क्रिएटिव देखो क्या होता है हर एक चीज़ चाहे आर्ट भी हो तो उसमें भी ना एक थ्योरी होती है आप तो कॉमर्स के बच्चे हो पा दे तो तो आपको पता ही है हम लोग ने क्लास आप क्लास ट्वेल्थ में आगे चल के पढ़ोगे मैनेजमेंट एक आर्ट है एक साइंस है सो so, ना आर्ट कैसी भी हो उसमें भी एक थ्योरी होती है बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये इंसान ना सीखा हुआ नहीं है ये इंसान सीखा हुआ नहीं है तो ये तो आउटसाइडर है जबकि यहाँ पे शॉन का ये मानना है कि चाहे वो इंसान सीखा हुआ हो या नहीं उसके अंदर टैलेंट है और उस स्किल को हम लोगों को और ज़्यादा यू you नो know, अपलिफ्टमेंट देना चाहिए एंड इसीलिए उन्होंने बोला कि जो आर्ट है ये उनकी है जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है पर टैलेंटेड है और उन्हीं के टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए शॉन ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया और ये कॉन्सेप्ट जब शॉन इंडिया में लेकर आ रहे थे तो हमारा एक आर्टिस्ट एक पैराडाइज क्रिएट कर रहा था और वो आर्टिस्ट और कोई नहीं नेक चंद है जिन्होंने यू नो जंगल का एक लिटिल पैच जो था जंगल का उसे चेंज कर दिया द फेमस रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सोचो उन्होंने इतने सारे रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ करके पैराडाइज बना दिया ये इंडिया का बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि नेक चंद की तरफ से आया आउटसाइडर आर्ट में इनफैक्ट रॉ विजन जो कि एक यूके बेस्ड मैगज़ीन है उन्होंने अपने एनिवर्सरी पब्लिकेशन के अंदर भी नेक चंद को और उनकी आर्ट विमिन बाई दी वाटरफॉल जो आपको रॉक गार्डन में देखने को मिलेगी उन, उनको बताया था अपने कवर पे लगाया था इसके साथ साथ हम देखेंगे कि, कि किस तरीके से नेक चंद जो है उन्होंने हर चीज़ को यूज़ किया और हर चीज़ को यूज़ करके उन्होंने क्या मतलब टेंट सबको यूज़ करके क्या शानदार पैराडाइज बना दिया उनकी एप्रिसिएशन के अंदर स्विस कमीशन जो है यूनेस्को की वो उन्हें उनके लिए एग्जिबिशन भी लगाने वाली हैं साथ ही साथ में फाइव मंथ का एक इंटरैक्टिव शो रियलम ऑफ नेक्चन जो है वो भी अक्टूबर से उस टाइम की बात है तब 2005 की लगभग टू थाउजेंड की तब ये होने वाला था आप सोचो नेक चंद अस्सी साल के और आप ये देखोगे कि आर्ट के लिए कोई प्रोफेशन नहीं चाहिए और ना ही एज चाहिए आप किसी भी एज में ये कर सकते हो नेक चंद बोलते हैं कि जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो मेरे गार्डन में चल रहे होते हैं और यू नो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यू uh, नो you know, मैंने सच में कुछ किया तो मेरा तो रिवॉर्ड जो है बस वो वही लोग हैं जो गार्डन में चल के और uh, मेरी आर्ट को कंसिडर करते हैं दैट इज़ माई रिवॉर्ड इसके साथ साथ बच्चावाड़ी लैंडस्केप ऑफ द सोल हो गया है ख़त्म और हॉर्नबिल भी आपका ख़त्म हो गया द समर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स एक्चुअली स्नैप शॉट से है आई एम गिविंग यू अ ब्रेक यही चैनल पे यही वीडियो वापस से लाइव होगा और होगा कब ये वीडियो लाइव होने वाला है दस बजे टेन पी एम पर वापस कंटिन्यू होगा कोई दूसरा वीडियो नहीं आएगा आप बस इसी को सब्सक्राइब करके रखिएगा मैं दस बजे लाइव जाऊंगी और आपको समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ में जो तीन चैप्टर्स है मतलब ये टोटल जो तीन चैप्टर है कराने वाली हूँ स्नैपशॉट से इसकी मदद से आपका पूरा जो लिटरेचर है वो कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ अभी तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एक घंटा पंद्रह मिनट सो एक घंटा पंद्रह मिनट मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है और अभी भी हमारे पास फोर्टी फाइव मिनट्स बचे हुए हैं और इन फोर्टी फाइव मिनट्स में हम ये तीन चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप पूरी लिटरेचर मेरे साथ में कंप्लीट कर लोगे और वो भी दो घंटे के अंदर अंदर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एच डी सी लाइव कोड यूज़ करना मत भूलना क्योंकि आप मुझे स्पेशल पे ज्वाइन कर सकते हो इसकी मदद से और अगर मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सेम कोड को अप्लाई करके आप मुझे प्लस पे भी ज्वाइन uh, कर सकते हो आपको अभी अगर आप प्लस uh, लेते हो तो आपको मिलेगा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लो ताकि मेरे जो भी क्लासेज हो उनके बारे में आपको पता चलता रहे ऑल्सो uh, आप सेम कोड यूज़ कर सकते हो स्पेशल प्लस और आइकॉनिक के लिए सो यस एल सी यू वन प्लस नाउ हाँ हॉर्नबिल पूरा हो गया और वो भी एक घंटे पंद्रह मिनट के अंदर अब मिनट्स के अंदर हम लोग स्नैपशॉट करने वाले हैं रात को और दो घंटे के अंदर अंदर पूरा लिटरेचर हो जाएगा इस वीडियो को वॉच लेटर के लिए भी सेव कर सकते हो और दो घंटे के अंदर अंदर एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज कर सकते हो सो आई सी यू इसके uh, ब्रेक के बाद वाले पोर्शन में तो अभी इंटरवल हो गया सो या बाय बाय